अभी अभी यार हम लोग सो करके उठे हैं, 12:28 अभी हुआ है। प्लान करते हैं बाहर निकलने के लिए। अभी मैं बाहर गया था तो देख करके आया हूँ कि कैसा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। सो बारिश तो फिलहाल नहीं है, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग सी है, ढका हुआ है पूरा मसूरी बादल से। और ऐसा आज ही नहीं, ऐसा अगले कुछ दिन तक रहेगा ही। तो फिलहाल अभी चलेंगे, भूख भी लगी काफ़ी तेज़, और बाहर देखते हैं, टहलते हैं क्या घूमने की यहाँ पर जगह है आसपास में। सो यार मैं भी तैयार हो चुका हूँ और साक्षी भी तैयार हो चुकी है। अब फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, होटल से बाहर, और चलकर थोड़ा विजिट करते हैं जो भी साइट सीइंग वगैरह है यहाँ पर आसपास में। आज ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही जो चीज़ें होंगी वो हम विजिट करेंगे, क्योंकि 1:30 के आसपास अभी ऑलरेडी हो चुका है। और अभी हम लंच भी करेंगे और उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। और साक्षी मैडम को इतनी ठंड लग रही है कि इन्होंने जैकेट अपने निकाल लिए। ये जो हमारा नया कैमरा है उससे हम ये क्लिप्स ले रहे हैं। सो आप कमेंट करके बताना वीडियो क्वालिटी है, उसके अंदर क्या कुछ डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं। आप स्कूटी भी देते हैं क्या रेंट पर? हाँ देते हैं। हाँ कितना? 700-800। ये आगे अपनी स्कूटी, हेलमेट लगाएंगे और राइट पे जाएंगे। होती है ना गियर थोड़े ना होते हैं इसमें, ना ब्रेक होते हैं बस। ये वाले ब्रेक होंगे, दोनों ब्रेक इधर भी उधर भी, दोनों ब्रेक साइकिल वाले साथ है बस। स्कूटी का एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार पहाड़ों में चला रहा हूँ। फर्स्ट टाइम स्कूटी चला रहा हूँ। क्या कर रखे? चालू कर दो। क्या मतलब है? अरे बंद कर देता हूँ, पेट्रोल खींचना फालतू में। ऐसा भी है? अरे ले। अरे सबने चालू कर रखी, तुम क्यों बंद कर रहे हो? तो जब ऐसे चल रही बिना पेट्रोल के। भाई साहब अगर मसूरी आ रहे हो आप तो ये देख लो आप, तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा जाम है अभी ये, और अभी आगे भी रहेगा ये। तो यार स्कूटी में पेट्रोल डला लिया, 200 रुपये का पेट्रोल हमने डलाया फिलहाल 2 लीटर के आसपास। एक पेट्रोल पंप ये है और एक पेट्रोल पंप इधर भी है, और ये पड़ता है मसूरी ऊपर से, मसूरी माल रोड से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर नीचे पड़ता है। स्कूटी में पेट्रोल डला गया, अब हम रुक गए हैं रास्ते में खाना खाने के लिए रावत रेस्टोरेंट करके, ये पेट्रोल पंप के पास नहीं है। तो यार खाना हमने खा लिया है, और ज़्यादा कोई अच्छा खाना नहीं था। साक्षी को तो सही लगा खाना? ठीक था खाना? सही था। मुझे कोई खास अच्छा लगा नहीं, क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। कढ़ाई पनीर हमने ऑर्डर किया था और कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि किस चीज़ का टेस्ट है उसके अंदर। तो जैसा भी था जो भी था खा लिया है खाना। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे भट्टा फॉल की तरफ, और उसी के पास में पड़ती है मसूरी लेक। तो ये दोनों चीज़ें हम वहाँ पर घूम करके आएंगे, और आइकिया आइसलैंड भी पड़ता है वहाँ पर। वहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। सो एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने का फ़िलहाल तो हमारा कोई मन है नहीं। सो फिलहाल जो हमारी डेस्टिनेशन है वो मसूरी लेक और भट्टा फॉल। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया यार हमसे, जहाँ पर हमने खाना खाया था पेट्रोल पंप के पास से, वहाँ से हमें राइट साइड में नीचे की तरफ जाना था। तो हम जाते मसूरी लेक और भट्टा फॉल, लेकिन हमने क्या किया, हमने लेफ्ट टर्न ले लिया ऊपर की साइड में। तो ये भी अच्छा ही है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं लाल टिब्बा, और लाल टिब्बा से होकर के, लाल टिब्बा एक्चुअली क्या है कि यहाँ का मसूरी का सबसे हाईएस्ट पीक है। सो लाल टिब्बा पर होकर के आते हैं, थोड़ा अच्छा मौसम और वहाँ पर भी मिलेगा, हो सकता है बारिश भी हो रही हो वहाँ पर, काफ़ी ठंडा मिलना चाहिए। तो वहाँ पर होकर के आते हैं, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे हम। तो अभी हम फिर से रास्ता भूल गए हैं। हम लोगों को रास्ता तो पता नहीं था, और हमने जीपीएस पर रास्ता लगाया नहीं, तो हम जहाँ से आए थे वापस वहीं पर चले गए। तो अब फिर हम फिर से वापस जा रहे हैं नीचे। तो लेकिन अब यहाँ पर पहाड़ी में फ़ायदा ये है कि हमें मतलब हमारा पेट्रोल नहीं खर्च होगा, हम बिना बाइक को स्टार्ट किए जा रहे हैं, मतलब स्कूटी को हमने स्टार्ट नहीं कर रखा है, केवल ऐसे ही डाउन हिल के सहारे हम चले जा रहे हैं। हमने मिस्टेक किया कि हम वहाँ पर कहीं पर रुके हुए हैं, और हम यहाँ से आए ऐसे, और हम इधर से इधर चले गए, और उसके बाद फिर हम ऊपर से ऐसे करके फिर से वहीं पर पहुँच गए थे। तो हमने क्या करना था, यहाँ से आना था ऐसे और ऐसे निकल जाना था भट्टा फॉल के लिए। 5.5 किलोमीटर मतलब जो बस स्टैंड है यहाँ का मसूरी बस स्टैंड से देहरादून वाली साइड चलना है हमें नीचे, तब रास्ते में भट्टा फॉल पड़ेगा। स्कूटी हायर करने से देखो यार कितना बेनिफिट है हम लोगों को, जहाँ चाहो वहाँ पर रुक करके फोटोशूट वगैरह कर सकते हैं, जहाँ चाहो वहाँ पर रुक करके वीडियो बना सकते हैं,
और जहाँ चाहो वहाँ रुक करके प्रकृति का एंजॉय कर सकते हैं और जैकेट पहन सकते हैं। यार वैसे तो पूरा का पूरा मसूरी सुंदर लगता ही है हर मौसम में ही, लेकिन बरसात के मौसम में जब बारिश पड़ती है और उसके बाद में जो पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं उसके बाद से जो झलक आती है मतलब एकदम स्वर्ग की तरह लगता है। ये देखो आप पेड़ कितना सुंदर दिख रहे हैं, ये वाले चारों तरफ बिल्कुल हरियाली छाई हुई है और ये घाटी का नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यार। ये सामने जो फार्म दिख रहा है ये ऑर्गेनिक फार्म है एज आई थिंक, जैसे कि मुझे नॉलेज है हमारे, क्योंकि हमारे गांव में भी एक पहली बार मैं ऐसे रास्तों पर स्कूटी चला रहा हूँ, मैंने आज तक स्कूटी नहीं चलाई है ऐसे रास्तों में क्या मैंने कभी वैसे भी स्कूटी नहीं चलाई है और बहुत तंग रास्ता है भट्टा फॉल का जो नीचे वाला है, लेकिन काफ़ी एडवेंचरस है, मज़ा आ रहा है। कितना सुंदर मौसम हो रहा है यहाँ पर। फाल से थोड़ा सा ऊपर अभी हम लोग हैं और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। नीचे काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी हैं, रेन डांस वगैरह हो रहा है, बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। और ये सामने भट्टा फाल भी दिख रहा है छोटा सा, आप देख रहे होगे बीच में ये वाला। दोस्तों वैसे तो जितने भी पानी के झरने होते हैं उनसे जो पानी गिरता है उसके गिरने की जो एक वॉइस होती है वो अपने आप में ही एक इंसान को एक सुकून देती है, लेकिन भट्टा फॉल एक ऐसा फॉल है जो बाकी झरनों से बिल्कुल अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आप बैठ करके खाना भी खा सकते हैं, वहीं से फॉल गिरता है और वहीं पर आप पानी के बीच में बैठ करके खाना खा सकते हैं। तो यार अभी हम लोग आ चुके हैं मसूरी लेक पर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, 10 मिनट शायद लगे होंगे हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए भट्टा फॉल से, 4.5 किलोमीटर के आसपास निकलाई और मसूरी लेक का व्यू देख लो एक बार, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से नज़ारा और धूप निकल रही है हल्की हल्की बादलों के बीच से, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। मसूरी को इसीलिए हिल्स की रानी बोला जाता है क्योंकि काफ़ी सुंदर लगता है यार यहाँ पर आने के बाद। अभी हम मसूरी लेक के पास में बैठे हुए हैं और आज हम अभी भट्टा फॉल होकर के आए और मसूरी लेक पर अभी हम आए हैं। तो दोनों जगह पर पार्किंग की अगर बात करें तो 30-30 रुपया पार्किंग का लगता है और मसूरी लेक को विज़िट करने के लिए 12 रुपये अलग से टिकट लेना पड़ता है। सो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो यहाँ की मतलब पुलिस जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अगर आप पार्किंग नहीं लेते हैं और अनऑथोराइज जगह पर अपनी बाइक या गाड़ी को पार्क कर देते हैं तो वो तुरंत उसको उठा करके ले जाते हैं। और स्कूटी जहाँ से हमने ली थी, रेंट की थी, वहाँ पर ये साफ साफ बोल दिया गया था कि किसी तरीके का अगर चालान वगैरह कटता है उसको आप ही पे करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है इन चीज़ों का कि पार्किंग वगैरह सही तरीके से सूटेबल तरीके से ली जाए। यहाँ पर बोटिंग जो कराई जाती है इस झील के अंदर बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर कराई जाती है, 30 रुपये पर पर्सन का यहाँ पर कॉस्ट है। तो अगर हम कंपेयर करें नैनीताल वगैरह से तो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं, 150-200-250 ऐसे इस तरीके से चार्जेस रहते हैं वहाँ। बट यहाँ की जो ये लेक है ये कृत्रिम लेक, इसको आप बोल सकते हैं मैन मेड है, ये बनाई गई है, ये कोई नेचुरल लेक नहीं है। चला देंगे आराम से, जाओ चलो बैठो, तुम बैठो आप जाओ।
तुम्हारा? नहीं, इंडिया गेट पे कर रखी है मैंने, पहले इंडिया गेट पे होती थी। हैं? मत कर देना। Oh God, don't say this. I'm already afraid. कैसा लग रहा है बोटिंग? साक्षी के हाथ में मैंने हैंडल दे दिया है, इधर लेके चलो यार, मुझे डर लग रहा है। आराम से घुमाते हैं इसको, आराम से। ये हैंडल को जिस वे में हम करेंगे उस वे में चलेगी। ओके।